यूं तो 2017 को कई वजहों से याद किया जाएगा, लेकिन कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के चलते ये साल लोगों को हमेशा याद रहेगा। आइए आपको बताते हैं इस साल के 5 बड़े फैसले जिन्होंने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। 3 तलाक मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ प्रतिबंध लगाया बल्कि मुस्लिम महिलाओं को राहत देते हुए कहा था कि एक झटके में किसी को तलाक देने की प्रथा गलत है। कोर्ट का कहना था कि किसी को तलाक देने की प्रक्रिया के बीच में इतना वक्त होना चाहिए कि वह अपने फैसले के बारे में दोबारा से सोच सके। पटाखों पर बैन। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उच्च न्यायालय ने इस साल अक्टूबर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सांस लेने का अधिकार सबको है और दिवाली के मौके पर होने वाली आतिशबाजी की वजह से राजधानी और NCR के अन्य शहरों के प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में बुजुर्ग और बच्चों को सांस लेने में खासी दिक्कत आती है। नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना रेप जैसा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अन्य बड़े फैसले में नाबालिग पत्नी के साथ नाबालिग पति द्वारा संबंध बनाने को रेप की श्रेणी में रखने की बात कही थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नाबालिग के साथ संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आता है, भले उसका पति भी क्यों ना नाबालिग हो। कोर्ट ने बाल विवाह को ऐसे मामलों में उदाहरण बनाया था। राम रहीम मामला। अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें 20 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के आदेश के बाद राम रहीम के आश्रम की तलाशी ली गई, जहां पुलिस को भारी मात्रा में हथियार मिले। आरुषि हत्याकांड मामला। देश के सबसे चर्चित आरुषि हत्याकांड मामले में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरुषि के माता पिता को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। 2008 में आरुषि और उसके घर में काम करने वाले हेमराज की हत्या कर दी गई थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।